हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है लियो राशि वालों के लिए। देखेंगे लियो राशि वालों के लिए 14th to 20th में तक क्या ओवरऑल एक्सपेक्टेड है उनकी लाइफ में। 14th to 20th में लियो राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल उनकी लाइफ में। टेन ऑफ कप्स, हैंगमैन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो लियो राशि वालों एक मिनट, हाँ इस हफ्ते आप लोगों की बहुत स्ट्रांग स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए नज़र आ रही है। कुछ चीज़ों की बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन होगी, कुछ चीज़ों का एहसास होगा। आध्यात्मिक ज़िंदगी की ओर आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते नज़र आएंगे इस महीने। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, एक्टिविटीज़ में ऐसा रहेगा जहाँ पर आप पॉजिटिव होते हुए पॉजिटिव फील करते नज़र आएंगे। ईश्वर के प्रति खुद को सरेंडर करते हुए नज़र आएंगे, भगवान के प्रति खुद को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली लाइक समर्पित करते हुए नज़र आएंगे। इस हफ्ते आपके फाइनेंसेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी जा सकती है। फाइनेंशियल लेवल पे अचानक से धन लाभ हो सकता है, या जो काम या इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं उसमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर आप बहुत कॉन्फिडेंट या काफ़ी क्रिएटिव नज़र आएंगे। आपके अपने आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आपका साथ देते नज़र आएंगे, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, सभी का प्यार मिलेगा, लोगों से आप काफ़ी ज़्यादा प्यार प्राप्त करेंगे, आपको इज्जत या रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक गिविंग एनर्जी देखी जाएगी, लविंग या केयरिंग एनर्जी, सभी के बारे में सोचेंगे, सभी की चिंता करेंगे, सभी के साथ प्रेम से रहेंगे। आपके बिजनेस या जॉब को लेकर अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं तो वहाँ आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई या वहाँ आपको सफलता मिलती नज़र आएगी। एक अगर एडवाइस मैं देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा टीम वर्क करने का प्रयास करें, सारा काम अकेले अपने दम पर मत करें। थोड़ा सा आप जो है टीम वर्क करेंगे, कुछ चीज़ की हेल्प लेंगे तो आपकी ज़्यादा फास्ट काम हो सकते हैं और अच्छी सफलता, आपको रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। इस हफ्ते आप सोच विचारों में ज़्यादा रहेंगे, थोड़ी सी सोच विचार रहेंगे, बट आप किसी तरीके की ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर बैलेंस रहेंगे, सब जगह बैलेंस्ड है, ठीक है। सब जगह मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप उदास रहेंगे या अपसेट रहेंगे। बस एक चीज़ है, आप अपने पास्ट को बहुत मिस करेंगे इस तरीके की एनर्जी, या पास्ट की कुछ मिस्टेक्स को याद करेंगे, कोई पास्ट की हुई गलती या फेलियर्स को ध्यान में लाते हुए नज़र आएंगे। इस हफ्ते आपकी लाइफ में कोई गेस्ट अचानक से आपके घर में आ सकते हैं, कोई आपके पास्ट लाइफ से या आपके जीवन में कोई एक्स आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, अचानक से कोई एक्स आपके साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने का प्रयास कर सकता है। इस हफ्ते अगर आप सिंगल हैं तो शादी का भी ऑफ़र आ सकता है, और ये ऑफ़र आपको किसी डेस्टाइन पार्टनर से आ सकता है जो आपकी पास्ट लाइफ में भी आपके पार्टनर थे। आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फैमिली से भी अरेंज मैरिज का कोई प्रपोज़ल मिल जाए आपको। बेसिकली इस हफ्ते आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती नज़र आ रही है, ठीक है। लेट मी सी कि आपकी लव लाइफ में इमोशनली क्या एक्सपेक्टेड है। ऐसे तो आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरे और घर पर सब जगह ध्यान देते नज़र आएंगे, काफ़ी ज़्यादा आप ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट नज़र आएंगे, अपने आप पे बहुत केयर भी करेंगे, अपनी लाइक काम पे भी बहुत ध्यान देंगे, फोकस्ड बहुत रहेंगे, अच्छा खासा फोकस देखा जाएगा आपके अंदर, काफ़ी चीज़ों पे आप बहुत अटेंटिव रहेंगे। बस एक अजीब से मन में उदासी या थोड़ा सा आप जो है पास्ट को मिस करते हुए, कोई पास्ट की मेमोरीज़ को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उससे आप ज़्यादा इफ़ेक्टेड नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है आप दिमाग से सोच विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ठीक है जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचना होगा, लाइक ठीक है जो चीज़ नहीं हुई मुझे उस चीज़ का दुख नहीं है, लाइक इस तरीके की एनर्जी में नज़र आएंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या होंगी, लियो राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनके 14th to 20th में उनके लिए क्या फीलिंग्स होंगी। वर्ल्ड, मैजिशियन, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स,
नाइट ऑफ वॉन्स, यूनिवर्स मुझे पता है इनके पार्टनर की एक्शंस क्या होने वाले हैं, क्या इनके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे, क्या लियो राशि वालों के कोई पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं इस हफ्ते। यस, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, ओके। आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करते हुए या आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आएंगे। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे कि अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, पर ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं, हैप्पी नज़र कम आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहेंगे और इच्छा रखेंगे कि आप दोनों के बीच में सब चीज़ें बेहतर हो जाए। इस हफ्ते आपके एक्स अगर आपके कांटेक्ट में नहीं है तो चांसेस है कि वो कांटेक्ट में आने का प्रयास करेंगे। किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, किसी तरीके की एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो आपके साथ दोबारा रिश्ते को बेटर करने की कोशिश करेंगे। जिस समय आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में अब कोई होप नहीं, अचानक से ये व्यक्ति आपकी होप्स बढ़ा सकते हैं, अचानक से आपका इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे, आप में से काफ़ी लोगों को किसी तीसरे व्यक्ति से ऑफ़र मिल सकता है, कोई न्यू ऑफ़र, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी इस हफ्ते मिल सकती है, कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, स्पेशली अगर आप कोई सिंगल हैं या आप किसी के लिए सर्च में थे। तो इस हफ्ते आपके पार्टनर आपके अपनी तरफ से एक रिजेक्शन से डरते नज़र आएंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे कि उनको लगेगा कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, कहीं आप उन्हें मना ना कर दें, एक रिजेक्शन का खौफ इनके अंदर रहेगा, डर ये महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में सब कुछ बेहतर हो जाए, पर आपके बिहेवियर या आपके नेचर से डरते हुए, आपको बहुत ही डर के अप्रोच करते हुए, इनडायरेक्टली आपको जो है अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है डायरेक्टली नहीं अप्रोच करेंगे, इनडायरेक्टली किसी तरीके का अप्रोच आ सकता है। आपके पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर नज़र आएंगे और अगर आप लोग दोनों की बातचीत होती है, जो कि पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, तो ये ऐसे दिखाएंगे कुछ और सोचेंगे कुछ और, मतलब इनका बिहेवियर आप खुद ही महसूस कर लेंगे कि समथिंग इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। ये दिखा रहे हैं कि जैसे नॉर्मल हैं, बट ये अंदर से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड हैं, अकेले हैं, या कुछ ऐसा है जो ये आपसे छुपा रहे हैं। अपनी मन की कुछ भावनाएं या कुछ चीज़ें ये एक्सप्रेस करने से दूर भागेंगे, बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करते नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, बातचीत करते हैं, आप रिलेशनशिप में हैं और कांटेक्ट में हैं, तो आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं अपने काम में, अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त नज़र आएंगे, किसी तरीके का काम पूरा करते नज़र आएंगे, विदेश यात्रा के लिए कहीं ना कहीं प्लानिंग करते नज़र आएंगे। आपके पार्टनर आपसे कुछ बातें छुपाते हुए भी नज़र आएंगे, स्पेशली अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो बातें छुपाते नज़र आएंगे, और ये बातें किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़ी हुई होंगी, किसी थर्ड पर्सन के बारे में या किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में ये आपसे कुछ छुपाते नज़र आएंगे। थोड़ी सी फ्लर्टिशियस एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो बताएंगे नहीं, खुलकर किसी की तरफ इनका आकर्षण या इंटरेस्ट बढ़ सकता है जो ये आपको बताएंगे नहीं। ये व्यक्ति काफ़ी स्ट्रांगली इनके वर्क प्लेस पे दिखाई दे सकता है या दिखाई दे सकती है, ऐसी एनर्जी बन रही है। लियो राशि वालों, यूनियन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप लोग बहुत समय से नो कांटेक्ट में हैं, आपके एक्स वापस एंटर कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। आप सरेंडर की पोजीशन पे हैं, आप कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में भी हैं जहाँ पर आपकी सेल्फ वर्थ आप समझ चुके हैं, डिफेंसिव एनर्जी में हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपकी तरफ से प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे या ये कोई अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आएगी, उस अपॉर्चुनिटी या उस अप्रोच के बाद आप अपने पास्ट के वजह से कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अपने पास्ट की मेमोरीज़ को याद करेंगे और आपको लगेगा कि क्या मुझे ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, क्या मुझे इस प्रपोजल पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए वाली एक दुविधा आप महसूस करेंगे। आप एक बेसिकली पॉज लेते नज़र आएंगे। ये पॉज ऐसा होगा जहाँ पर आप ना हाँ का जवाब देंगे ना ना का जवाब देंगे, किसी तरीके का रिएक्शन या रिस्पॉन्स नहीं देंगे सामने वालों को। आप कहीं ना कहीं खुद एक कन्फ्यूजन में हैं, तो आप फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं, बट यूनिवर्स आपको कह रही है ट्रस्ट करें और स्लो स्लो आगे बढ़ें। कोई बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो नया हो चाहे वो ओल्ड हो। मैं ये नहीं कहती कि आपके मन की इच्छा पूरी नहीं होगी, बस ऐसा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से आप अक्सर हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखें, बाकी हाँ चीज़ें ठीक हो रही हैं और आप इस पर ट्रस्ट करने का और या उसे बेटर समझने का प्रयास करें।
ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो लियो राशि वालों, समय आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है, फाइनेंसेस अच्छे हैं, ग्रोथ है, रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं पुराने मनमुटाव, गिले शिकवे ख़त्म होते हुए चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आई हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है रिलेशनशिप में एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो हो सकता है कि आपके पार्टनर या तो आपसे डरेंगे या तो आपकी गलतियों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, आपको थोड़ा उसे दिमाग से चाणक्य तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। हेल्थ वगैरह में इम्प्रूवमेंट है, हेल्थ में काफ़ी बेटरमेंट देखी जाएगी, आप अपनी केयर करते हुए अपने आप को अच्छे से ध्यान देते हुए नज़र आएंगे, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर अट्रैक्शन बढ़ता नज़र आएगा। ओवरऑल यह हफ्ता आपके लिए अच्छा है, आपके लिए आपको बस एडवाइस ये है कि पुरानी बातों से बाहर निकल कर अपने जीवन की नई शुरुआत करें, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग लियो राशि वालों। अगर रीडिंग पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अगर आप लोगों को वीकली रीडिंग्स देखना पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, हर संडे में वीकली रीडिंग पोस्ट करती हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।